हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ मटन चाप की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे मटन चाप। फ्रेंड्स, खाने में जितनी ये टेस्टी है, बनाने में भी उतनी ही आसान है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने मटन ले लिया है, तो इसको गोश्त को चाप बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने मटन चाप ले लिए और ये 1 kg है। इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और अभी इसको हम कुकर में डाल लेते हैं। इसको किसी भी फंक्शन में, किसी भी पार्टी में बना के तैयार कर सकते हो। रेसिपी को ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अभी सारे ये देखिए, हमने सारे को यहाँ पे कुकर के अंदर डाल लिया है और अभी यहाँ पर हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट मैं काफ़ी सारा डालूँगी, 4-5 चम्मच भर के, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चाप के अंदर, क्योंकि इसको हम फ्राई करेंगे। इसमें हमें किसी भी तरह की ग्रेवी वगैरह नहीं रखनी है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें काफ़ी सारा जाता है। और यहाँ पे ले लिया है हमने काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। अगर आपके पास इस तरह का पिसा हुआ नहीं है तो आप काली मिर्च को पीस के डाल सकते हो इसमें, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच नमक। और इसके साथ में डालूँगी मैं ये देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट था जिस कटोरी में, उसी में मैंने पानी डाल के और 1 कटोरी पानी डाल दिया है। तो इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ 2 विसिल लगानी है और उसके बाद में अगर पानी इसमें ज़्यादा होगा तो उसको हमें जलाना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा बिल्कुल। इसे हमें ड्राई करना है एकदम, और गोश्त में से भी पानी काफ़ी सारा छूटेगा, तो इसलिए हमें इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ 1 कप पानी काफ़ी है इसमें। तो अभी इसमें मैं इसको मिक्स करके अच्छे से और इसकी लिड लगा के 2 विसिल लगाऊंगी और उसके बाद में मैं इसको खोल लूँगी। तो अभी इसको हमने गैस पर रख दिया था और ये देखिए, यहाँ पे 2 विसिल आने के बाद में मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है। ये देखिए, मैंने बिल्कुल इसमें 1 कप पानी डाला था और गोश्त में से इतना पानी छूट जाता है। तो इसको भी बिल्कुल हमें एकदम ड्राई करना है, सुखाना है बिल्कुल। तो इसको 2 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल एकदम ड्राई कर लूँगी, जितना भी पानी इसमें बचा हुआ है सब सुखा लेना है हमें। तो यहाँ पे 2 मिनट के बाद में ये देखिए, बिल्कुल इसका पानी सूख चुका है, जल चुका है। ये देखिए, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो अभी इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और इसको हमें ठंडा करना है 5 मिनट के लिए। इसको हम रख देंगे, ठंडा होने के बाद में इसमें और मसाले इसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसको सारा मैं निकाल लूँगी इसमें। तो ये सारा मैंने निकाल लिया है और इसको अभी हम 5 मिनट के लिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे ठंडा कर लिया है इसको। तो अभी इसमें हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूँगी 1 से 1.5 चम्मच भर के लाल मिर्च, क्योंकि इस चाप को हम थोड़ा सा, कोई भी चीज़ फ्राई बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा स्पाइसी, तीखा, चटपटापन होना चाहिए, तभी उसमें टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च डाल दूँगी और उसके साथ में यहाँ पे 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर जाएगा। और इसके साथ में यहाँ पे 1 चम्मच डालूँगी मैं इसमें चाट मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चाट मसाले से। और उसके साथ में यहाँ पे जाएगा भी इसमें 1/2 चम्मच नमक। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, क्योंकि हमने उबालने में भी नमक डाला था और चाट मसाला भी डाला है, तो नमक देख के डालना है। और साथ में 2 चम्मच भर के यहाँ पर हमने इसमें बेसन डाल दिया है, तो बेसन की जगह आप इसमें मैदा भी डाल सकते हो। और 1 नींबू का रस डाल दिया है हमने इसमें। और अभी इसमें 1/2 चम्मच डालूंगी मैं यहाँ पे गरम मसाला। तो अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हाथ को अच्छे से साफ करके, और यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पे 1 पिंच मैंने बिल्कुल ज़रा सा रेड फूड कलर ले लिया है, मैं पहले डालना भूल गई थी, तो इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप एक बार बनाओगे तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको, और इसे बार बार बनाना पसंद करोगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। एक बार तो ट्राई करना बनता है। तो यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर लिया है। ये देखिए, तेल भी यहाँ पर हमारा गर्म हो चुका है। तो अभी गर्म गर्म तेल में और चाप डाल के फ्राई कर लेते हैं। तो एक बार में जितनी भी पैन में आएगी मैं इसको पूरा अच्छे से भर दूंगी। तो
दो मिनट के लिए इसको हम इसी तरह से पड़ा रहने देंगे और उसके बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगी। तो ये देखिए, दो मिनट के बाद में जब ये दो मिनट हो जाते हैं तो ऊपर से ही क्रिस्पी क्रिस्पी सा दिखने लगता है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है। इसको फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है क्योंकि इसे हमें गलाना नहीं है, इसे हमने पहले ही गला लिया है, बॉयल कर लिया है अच्छे से। तो इसको फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 5-6 मिनट में हमारी चाप फ्राई होकर तैयार हो जाती है। तो दोनों साइड से मैं अच्छे से इसको क्रिस्पी कुरकुरा होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी यहाँ पे चाप फ्राई हो चुकी है। अभी मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। तो कलर देख सकते हो आप इसका, कितना बढ़िया क्रिस्पी कुरकुरा, देखने में ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी बनी हुई है। तो इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी डाल के फ्राई कर लूँगी। तो ये देख सकते हो आप कितना बढ़िया कलर आया है। तो दूसरा भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, बाकी का जितना भी बचा हुआ है। तो ये देखिए, ये भी मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया यहाँ पे हमारी चाप फ्राई होके तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी। तो अभी इसको नींबू प्याज चटनी जिसके साथ में भी आप सर्व करना चाहते हो कर सकते हो। तो बहुत ही टेस्टी सी चाप यहाँ पे हमारी बनके तैयार है। एक बार इसे बनाओगे तो इसका टेस्ट नहीं भूल पाओगे। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।